ये अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि घरों वगैरह पर बिल्लियाँ वगैरह आकर रोती हैं, तो कहा जाता है कि बिल्लियों का आकर रोना ये गम की अलामत होती है, तो बाद में घरों में कोई ना कोई गम की खबर भी आती है, तो इन बिल्लियों का आकर रोना इसकी क्या हकीकत है? इरशाद फरमा दे। अब ये बदशगुनी तो जायज नहीं है ना, बिल्ली रोए तो गम आए आए, ये तो जैसे कि वो काली बिल्ली आड़े उतर गई, आड़े से गुजर गई तो सफर पे जाने वाला पलट आएगा, नुकसान हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम बदशगुनी की हौसला शिकनी करता है, और नाजायज भी है बदशगुनी। और ये कि अक्सर देखा है और रात रोते हैं, अक्सर ये लफ्ज जबानों पे चढ़ा हुआ है लोगों के, अक्सर आधे से ज्यादा। तो बहुत सौ को पता होता कि हमारे यहाँ बिल्ली आकर रोई थी और गम आए थे, अब मेरी तो जिंदगी निकल गई, मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, गम बहुत आए हैं लेकिन बिल्ली आके रोई नहीं है कभी घर पे, मुझे ऐसा याद नहीं पड़ता। बिल्लियां तो लोग अब शौक से पालने लगे, अब तो धड़ाधड़ मतलब बिल्लियां पाली जा रही है, ये गम लाने वाली बिल्ली पालेगा कौन फिर? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।